तो सबसे पहले तो भाई ये सबको ईद मुबारक। आप बात करते हैं भाई आपके डाउट की, तो देखिए भाई आपके डाउट क्या आ रहे हैं कि असाइनमेंट जो होने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के सोल वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है ना, उनको भाई डेटशीट कहाँ से मिलेगी, डेटशीट कब आएगी और डेटशीट के अकॉर्डिंग उन्हें कितने सब्जेक्ट के असाइनमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं क्लियर करता हूँ आपके सारे डाउट। देखिए भाई डेटशीट कब आएगी, अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही आए आपकी, क्योंकि जो आपकी डेट जो है असाइनमेंट स्टार्ट होने की वो 12 अगस्त के आसपास ही होगी, तो शायद 5-6 दिन पहले ही आएगी डेटशीट, उससे पहले नहीं आएगी आपकी। तो क्लियर हो गया होगा, जब भी आएगी आपको बता दूंगा। अब भाई डेटशीट कहाँ से मिलेगी आपको, भाई सोल की वेबसाइट पर आएगी आपकी डेटशीट, तो टेंशन मत लो, जब भी आएगी प्रोवाइड करा दूंगा, सारी एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कैसे कैसे चेकआउट करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आपको कितने सब्जेक्ट के असाइनमेंट देने हैं। देखो भाई कितने सब्जेक्ट के देने हैं, आपके पास 4 ही सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको 4 ही सब्जेक्ट के देने हैं। अब यहाँ पे एक और डाउट आएगा लोगों का कि भैया एक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन के आंसर देने होंगे हमें। देखो भाई देखिए वैसे तो अभी गाइडलाइंस नहीं आई है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूँ, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो अभी जो अभी तक चलता आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 मार्क्स के दिए जाते हैं आपको, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन 100 मार्क्स के दिए जाते हैं, इट मीन्स आपको जो अपना असाइनमेंट बनाना है वो ज्यादा से ज्यादा 14-15 पेजेस में बना के खत्म कर देना, इससे ज्यादा पेजेस का नहीं बनाना। तो आपका ये डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया, 4 पेजेस का बनाना है, सॉरी 4 4 सब्जेक्ट का बनाना है आपको, ठीक है। उसमें एक सब्जेक्ट में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 2 करना है, ठीक है। ये अभी मैं अपने प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, ठीक है ना, और ये जो 4 सेमेस्टर के चल रहे हैं उसके बेस पे, अभी कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज नहीं है ये, और आएगी तो ऑलमोस्ट ऐसी ही होगी, और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो टेंशन मत लिया करो भाई, जब भी ऑफिशियल न्यूज आएगी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे एक और डाउट आ रहा था कि भाई मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कल परसों में कि NCVAB और DU रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को एक फॉर्म भरना है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन फॉर्म। तो भाई सोल वाले स्टूडेंट्स को कोई एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म वही था जिसमें आपने सब्जेक्ट जो है वो फिल करे थे, ठीक है, वही था आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, और कुछ नहीं भरना आपको, ठीक है। और कोई फीस वगैरह आपको नहीं देनी, और ना ही आपसे ना ही कोई फॉर्म भरवाया जाएगा, ना ही कोई फीस ली जाएगी, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।